बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़िम, ज़फ़र इकबाल एस्पायरिंग रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आपके साथ में इससे पहले भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट शेयर करता रहा हूँ, जिसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, जिसके अंदर हाई राइज कमर्शियल भी हैं, जिसके अंदर हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स में आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि आपके साथ में हकाइक के ऊपर मबनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सके। तो आज से कुछ अर्सा पहले, अराउंड 3 महीने पहले, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी ग्रीन रेजिडेंशिया इस्लामाबाद के नाम से, और ये ठंडा पानी इस्लामाबाद का जो एरिया है जो लेथराड रोड के ऊपर है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रीन रेजिडेंशियल के नाम से, और मेन लेथराड रोड से हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये वाकई है। इस प्रोजेक्ट के वाले से बहुत से दोस्तों की क्यूरीज आई थी कि इसकी लेटेस्ट अपडेट्स बताइए, इसके अंदर काम कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताइए। उस वक्त जो वहाँ पे काम हो रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं आपके साथ इसकी एक लेटेस्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं साइट विजिट किया आज से 2-3 दिन पहले मैंने विजिट किया था, वो साइट विजिट जो किया है उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये जो नीचे रेड कलर का आपको बटन नजर आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो चलते हैं ग्रीन रेजिडेंशिया की जो साइट विजिट, पहले मैं वो आपको कंप्लीट करवाता हूँ, वो आप देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। इस वक्त हम मेन एंट्रेंस पे हैं, आप इसकी देख सकते हैं, राइट साइड के ऊपर भी ये कुछ जो है ना बाउंड्री ज़रा बन गई हैं, इधर भी कुछ जो मकान बनना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। ये सामने जो इसकी एंट्रेंस की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, और इसके साथ ही ये एक मकान इसके अंदर बना हुआ, इसकी बाउंड्री के अंदर है, ये अभी बन रही है, और लोगों ने अपने मकान बनाना शुरू कर दिए हैं इसके अंदर। ये जो आपको नज़र आ रहा है खड़ा सा बना हुआ है, ये इसके अंदर गैस की जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है, सामने आप देख सकते हैं। ये इस वक्त मैं ग्रीन रेजिडेंशिया के अंदर हूँ, और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी आप देख सकते हैं, मकान भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। आप ये सीवरेज की लाइंस वगैरह देख सकते हैं, सीवरेज का काम भी जो हो रहा है, ये आप ये देखिए, ये सामने ऊपर ग्रेवयार्ड बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, यहाँ मशीनें वगैरह देखें। ये जो सामने एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा जो एरिया है इसके बैक पे, ये सारा कमर्शियल एरिया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन रेजिडेंशिया की सराउंडिंग में जो आबादी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये 15 कनाल की जगह इन्होंने छोड़ी हुई कब्रिस्तान के लिए, 15 कनाल का ये पीस इसके अंदर ये है कब्रिस्तान के लिए। ये जो आप कब्रिस्तान की बैक साइड के ऊपर ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो सामने का एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा बी ब्लॉक है, इसके अंदर एक इसके एंट्रेंस ये बन रही है, ये इसके इसी एरिया में निकल जाएगा, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सामने वाला जो मैं फिंगर पे आपको शो कर रहा हूँ, ये जो रास्ता है आपका गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आप ये जितनी डेवलपमेंट वाले देख रहे हैं गलियों की कटिंग भी हो चुकी है, और इसी तरह से अगर आप ये सामने देख रहे हैं ये इधर पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ आपको, ये सीवरेज के जो पाइप वगैरह हैं, सीवरेज का काम जो हो रहा है यहाँ पे वो है। ये सारा मैंने आपको बी ब्लॉक दिखाया है इसका, इस वक्त मैं ए ब्लॉक वाली साइड पे आपको शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आबादी को ज़रा देख लीजिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फेडरल टाउन की आबादी है ये, और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये एरिया सोल्ड आउट हो चुका है, और इसी तरह से ये सारा इसका ए ब्लॉक का एरिया है, ए ब्लॉक के अंदर। अब ये बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ये मकान एक बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पे ये जो रेत के साथ आप ये देख रहे हैं ये बाउंड्री बनी हुई है इसकी ना, बुनियादें बनी हुई है, डीपीसी बनी हुई है, ये वाला प्लॉट हमारे पास रीसेल में मौजूद है, और इसके साथ की जो सराउंडिंग की आबादी है वो ज़रा आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये सारी फेडरल टाउन की आबादी इसके साथ साथ है। यहाँ पे बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, इसके अंदर भी बिजली और गैस दोनों मौजूद हैं। और यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये एक मकान जो बन रहा है इसी ग्रीन रेजिडेंशिया के अंदर, जिसके अंदर ये बोरिंग का काम हो रहा है। इस वक्त जो मैं आपको सामने ये राउंड रोड दिखा रहा हूँ, ये कमर्शियल एरिया है, कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी बैक के ऊपर ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ जो है डी ब्लॉक है इसका, और इसी तरह से ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा इसका सी ब्लॉक है। ये सारा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये सी ब्लॉक दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप इसके अंदर आप देख सकते हैं जो काम हुआ है, डेवलपमेंट हो रही है। आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, ये भी काम शुरू हुआ है। यहाँ पे बोर का जो है काम करवाया जा रहा है, बोरिंग और ये आप ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिए लोगों ने। ऐसे ये सारा तो इसके अंदर ना हमारे पास बहुत महदूद तादाद के अंदर में हमारे पास प्लॉट इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारा सी ब्लॉक में दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सारी रॉयल सिटी की आबादी है। इसी तरह ये इसकी सराउंडिंग में सारे आबाद एरियाज हैं। ये बीच में एक छोटा सा पीस था जो खाली था, जिसके अंदर ये एक छोटा सा टाउन बनाया गया। ये जो ऊपर कटिंग वाली जो लैंड आपको नज़र आ रही है, इसके पीछे 400-500 कनाल और इन्होंने ले लिए जो आगे एक्सटेंशन में ऐड करनी है इन्होंने। और इस वक्त मैं हूँ जो कमर्शियल एरिया है उसके करीब करके हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आप देखिए येलो पाइप है, ये गैस का पाइप है, और साथ ही ये सीवरेज भी आप देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट का काम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका सीवरेज का आप निज़ाम देख सकते हैं, जो ये सीवरेज की पाइप आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा ग्रीन रेजिडेंशियल के अंदर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके अंदर मकान भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों ने अपनी डीपीज वगैरह भी बना दी हैं, फिर सीवरेज के अंदर भी माशाल्लाह काम काफ़ी हद तक हो चुका है। इसी तरह से गैस की जो लाइन उसके अंदर डाल दी गई है, पाइपलाइन जो है उसमें बिछा दी गई है। रामगढ़ इस्लामाबाद के अंदर मोस्टली सोसाइटीज़ के अंदर जो एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, वहाँ पर ग्रेवयार्ड्स के वजह से मसाइल बनते हैं, तो इन्होंने पहले से ही उसके लिए 15 कनाल जगह मुख्तस कर दी, वो भी आपको मैंने दिखाई। और इसके सराउंडिंग में जितनी आबादी है वो भी आपने इस वीडियो के अंदर देख लेंगे, ये बिल्कुल एक आबाद एरिया के अंदर मौजूद है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, और आप इसके अंदर जस्ट अपने यहाँ से प्लॉट परचेस करते हैं तो आप रजिस्ट्री इंतकाल करवा के आप फौरी तौर पर अपने कब्जा करके आप फौरी अपना मकान बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ग्रीन रेजिडेंशियल वाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप इसके बुकिंग का प्रोसेस जानना है, आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं जो उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट के बारे से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।